हाय एवरीवन, वेलकम है आपका समत किचन में। आज हम लोग बना रहे हैं मटन कोरमा डेली स्टाइल, वो भी कुकर में। कुकर में इसलिए कि कुछ लोगों के पास टाइम की कमी होती है पर वो अच्छी रेसिपी इंजॉय करना चाहते हैं, तो ये रेसिपी उनके लिए है। और प्लस आप लोग से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखें और अच्छी तरह से देखें और सारे स्टेप्स बारीकी से समझें, क्योंकि यहाँ पे मैंने छोटी छोटी सी चीज़ें डिस्कस की हैं कि हमको कैसे बनाना चाहिए, कितना मसाला भूनना चाहिए और किस मसाले के साथ मटन को कितनी देर चलाना चाहिए और कितनी आँच पर रखना चाहिए या दही के साथ कितना जलाना चाहिए। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनती है और हमको वो वाली फीलिंग नहीं आती कि अरे हमने रेसिपी तो बनाई थी पर वो टेस्ट नहीं आया। तो वो टेस्ट नहीं आने का रीज़न ये होता है कि हम छोटी छोटी सी गलतियां कर जाते हैं बीच में रेसिपी बनाने में। कई बार जल्दी होती है या कई बार ज़्यादा भून देते हैं चीज़ों को, मसाले हमारे जल जाते हैं, तो ऐसी सब चीज़ें हैं। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। कोरमा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया हुआ है आधा किलो मटन, जिसको धो के साफ़ करके रख लिया है पहले ही। और इसके बाद यहाँ पर जो हम मसाले इस्तेमाल करेंगे इसमें, तो वो मैंने सारे यहाँ पे खड़े मसाले लिए हैं जिसको कि हम पीसेंगे। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या मसाले हैं। ये हैं लाल खड़ी मिर्च, 1.5 चम्मच खड़ा धनिया, और ये है 1 चम्मच ज़ीरा, और ये 2 बड़ी इलायची, और ये है थोड़ी काली मिर्च। काली मिर्च और मिर्च दोनों को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं टेस्ट के हिसाब से। ज़्यादा तीखा खाना है तो आप बढ़ा लीजिए, नहीं तो कम, इतना ही रहने दीजिए। और ये 7-8 छोटी इलायची, और ये है 1 जावित्री का फूल, ये है जायफल छोटा टुकड़ा, और ये है दालचीनी के 2 छोटे टुकड़े। और उसके बाद मैंने लिया है यहाँ पे 2 बड़े कटे प्याज, जिनको कि अच्छा पतला काटा है, और ये है 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। और यहाँ पे है ये मसाले हमारे तलने के लिए, जिसमें कि तेज़पत्ता है, और 4 छोटी इलायचियाँ हैं, और 4 लौंगे हैं, और ये है हमारा थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च जिससे कि कलर बहुत अच्छा आएगा, ये डालेंगे हम। और ये है नमक, और ये है 1 कटोरी दही, ताज़ा दही लीजिएगा, खट्टा मत लीजिएगा। तो ये हमारा फ्रेश दही। अब हम तैयारी करते हैं अपने कोरमा बनाने की। तो ये सारे खड़े मसालों को मैंने पैन में डाल दिया है और अभी मीडियम हीट रखी है, और बड़ी इलायची को खोल के डाला है, इनके सिर्फ दाने लेने हैं। और अब मीडियम हीट पे हम थोड़ी देर ऐसे चलाएंगे, जब हल्की सी खुशबू आने लगे तो हीट को बिल्कुल धीमा कर दीजिए और तभी आप चला के भूनते रहिए। फिर अच्छी सी खुशबू जब आने लगेगी तो आप कर देंगे हीट को बिल्कुल बंद, और उसके बाद भी इसको चलाते रखेंगे, क्योंकि क्या होता है पैन बहुत गर्म होता है और उसमें अगर हम मसाले ऐसे छोड़ देते हैं तो वो जल जाते हैं, और अगर मसाले जल जाते हैं तो कोरमे का टेस्ट और कलर दोनों ही ख़राब हो जाता है, जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहते। मसालों के ठंडा होने के बाद इसको एक मिक्सर में डाल के हम अच्छी तरह से फाइन पाउडर बना लेंगे। तो अब ये हमारे फाइन मसाले रेडी हैं और इसको हम रख देते हैं और प्याज फ्राई करते हैं। एक बड़े बर्तन में 2 बड़े चम्मच तेल डाल के मैंने गरम कर लिया है, और उसमें ये प्याज स्लाइसेस जो हमने काट करके रखे थे इनको तल लेंगे। प्याज जल्दी तल जाए इसके लिए मैंने इसमें 1/2 चम्मच नमक डाला है, जो कि मैं दिखा नहीं पाई। प्याज हो गई है, अब हम प्याज को निकाल लेते हैं। जी ऑयल में जिसमें हमने प्याज तली है उसी में डालेंगे ये अपने खड़े मसाले, जिसमें कि है लौंग, और ये इलायची को तोड़ के डालेंगे इसको, क्योंकि जब ये पॉप करेंगी तो जला सकती है, इसलिए इसको तोड़ के डालेंगे। इलायचियाँ क्रश कर लीजिए। ये डालेंगे पत्ते, इन खड़े मसालों को थोड़ी देर तल जान देंगे, करीब 1 मिनट। डाल देंगे मटन, मीडियम आंच पे इसको तलने देते हैं 5 मिनट तक। थोड़ा सा चला दीजिए ताकि ये चारों तरफ से तल जाए। बीच बीच में चला दें इसको। फ्राई हो चुका है, अब इसमें हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए, और इसके साथ भी इसको अच्छी तरह से पक जाने दीजिए 5 मिनट तक के लिए। तो ये अब अदरक लहसुन के साथ भी 5 मिनट तल चुका है। और तो अब हम इसमें डाल देंगे अपने ये मसाले जो हमने फ्रेशली तैयार किए हैं, अपने बनाए हुए फ्रेश मसाले जो पीसे थे उनको डाल देते हैं हम इसमें।
इससे बड़ी अच्छी खुशबू आने लगी है। और इसके साथ साथ इसमें हम डालेंगे ये पानी, ये लहसुन अदरक वाला पानी है जो मैंने कटोरी धो ली थी, और इसको पानी डाल के सारे मसाले आप अच्छी तरह से निकाल लीजिए। ये देखिए सारा मसाला निकल गया, इसको पानी डाल दिया इसका इसी में, जिससे हमारे मसाले वेस्ट नहीं हुए। अब डालेंगे इसमें नमक, नमक क्योंकि आधा चम्मच प्याज में भी डाला था इसलिए उसके हिसाब से हम इसमें थोड़ा सा कम कर लेते हैं। और ये नमक हो गया, पाँच मिनट तक अब इन मसालों के साथ हम और पकाएंगे। मसाले घर के बनाए हैं और आप भी कोशिश करिएगा, अगर आपके पास टाइम है और पेशेंस है तो ज़रूर आप भी इस तरह से मसाले तैयार करें घर में जैसे मैंने दिखाया है। इसका बहुत अच्छा और बहुत अलग फ्लेवर आएगा। जो बाज़ार वाले होते हैं वो इतने फ्रेशली नहीं होते, उनका एरोमा भी चला जाता है, इतनी अच्छी खुशबू नहीं आती उसमें, और टेस्ट भी थोड़ा डिफर कर जाता है। तो इसलिए आप थोड़ी सी मेहनत करके अगर इस तरह से बनाएंगे ना तो आपको बहुत मज़ा आएगा। और इसके साथ साथ अब हम थोड़ा सा इसमें कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल देते हैं कि जिसमें थोड़ा सा कलर अच्छा हो जाए। थोड़ा ही सा डाला है मैंने, तो आप भी डाल सकते हैं। ही डाल देंगे हम एक कटोरी फ्रेश योगर्ट है, ये भी फ्रेश डालिएगा, आप भी खट्टा मत डालिएगा। और अब इसके साथ साथ हम इसको भी चला लेते हैं, आँच धीमी रखें, 3 से 4 मिनट तक धीमी आंच पे दही के साथ पकने देते हैं। तो अब हमने दही के साथ भी इसको अच्छी तरह से भून लिया है और ये दही इसमें मिल चुका है पूरी तरह से, आप देख सकते हैं दही नहीं दिखाई दे रहा अलग से, इसमें मिक्स हो गया है। और हम इसमें डाल देंगे ये तली हुई प्याज, और प्याज के साथ भी 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे इसको हम। अब इसमें डाल देंगे 1 चम्मच देसी घी, जनरली कोरमा घी में ही बनता है पर यहाँ पे मैंने पूरा घी में नहीं बनाया है, रिफाइंड में बनाया है तो उसका फ्लेवर आ जाए इसलिए थोड़ा सा घी डाल दिया है बाद में ऊपर से। तो अब ये हमने प्याज के साथ भी इसको भून लिया है और अब इसमें डाल देंगे 1 कटोरी पानी, और क्योंकि ये कोरमा हम बना रहे हैं कुकर में झटपट वाला है तो हम इसमें अब इसमें लगा देंगे प्रेशर। और देखिए इतना पानी सफिशिएंट है और इसको धीमी आंच पे ही इसमें प्रेशर लगाएंगे। तो इसमें प्रेशर लगा देते हैं और मीडियम लो पे रखने के बाद इसमें 3 से 4 विसल आने देते हैं। और फिर उसके बाद 3 से 4 विसल आने के बाद इसको ऐसे ही ठंडा होने देंगे और उसके बाद हम उसमें चेक कर लेंगे कि वो गला है कि नहीं गला, अगर ज़रूरत होगी तो और लगा देते हैं। तो अब इसमें विसल आने देते हैं। तो जब तक हमारा ये इस पर प्रेशर आ रहा है कुकर पे, तो मैं आप लोग को एक चीज़ बता देती हूँ कि जब हम अगर आप इसको पका रहे हैं हाई हीट पे, जल्दी पकाना चाहते हैं और आपके पास टाइम नहीं है, तो पानी इसमें जब डालें और प्रेशर लगाने से पहले जब पानी डालें तो इसमें ज़्यादा पानी डालेगा। अगर आपने 1 कटोरी पानी डाला है तो उसके बदले 1.5 कटोरी कर दीजिए क्योंकि वो पानी जल्दी जल जाएगा, तो ऐसे में मटन जलने का डर रहता है। और अगर आप धीमी आंच पे पका रहे हैं जैसे कि मैं पका रही हूँ धीमी आंच पे, तो उस पर आप पानी कम डालें, 1 कटोरी डालें तो उतना सफिशिएंट होगा, बहुत ज़्यादा पानी होगा और उतने में ही वो गल जाएगा, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। 3 सीटी आने के बाद अब हम इसको खोलते हैं और देखते हैं पीस इसका गला कि नहीं गला। तो ये पूरी तरह से गला नहीं है, इसमें हम 2 प्रेशर और लगा देते हैं, 2 सीटी और आन देते हैं। अब मैंने दोबारा इसमें प्रेशर लगा सीटी लगा के रख दिया था और ये गल गया है पूरी तरह से, तैयार हो गया हमारा कोरमा। अब हम इसको सर्व करते हैं। तो ये हमारा लजीज कोरमा तैयार है। यहाँ पे मैंने इसको सर्व किया है शीरमाल के साथ, मेरे पास शीरमाल घर में मौजूद थी, अगर आपके पास नहीं है तो आप खा सकते हैं इसको चपाती के साथ या फिर रुमाली रोटी के साथ या फिर खमीरी रोटी के साथ, जिसके साथ भी आपका मूड आए आप खाएं, चावल के साथ भी अच्छा टेस्ट करता है। तो आपको कैसी लगी ये रेसिपी, आई होप कि आपको ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ जल्दी से अब आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और प्लीज़ मेरे चैनल को हेल्प करें इसको ग्रो होने के लिए, आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।